BMW ने भारतीय बाजार में एक नई कार पेश की है आई एक्टिव हाइब्रिड 7 के नाम से। वैसे टेक्नोलॉजी में एक नई तरह की सोच नजर आती है। भारत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वैसे नई बात नहीं है। टोयोटा ने इस तरह की गाड़ी प्रायस को पहले ही पेश किया था, लेकिन यह कार कामयाब नहीं रही थी। लेकिन आज आपको लिए चलते हैं एक्टिव हाइब्रिड 7 की टेस्ट ड्राइव पर। भारत के ऑटो सेक्टर में लगातार बदलाव हो रहे हैं। टॉप लग्जरी कारों के साथ एक्सपेरिमेंट जारी हैं, हाइब्रिड सिस्टम के साथ अब कारें आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे BMW एक्टिव हाइब्रिड 7 की। हाइब्रिड सिस्टम किस तरह से काम करता है और पेट्रोल इंजन के साथ वो कैसा परफॉर्म करता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन BMW की एक्टिव हाइब्रिड 7 लग्जरी कार है, इंटीरियर एक्सटीरियर काफी बेहतर है और ये ऑन रोड कैसा परफॉर्म करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑन रोड जाने से पहले, टेस्ट ड्राइव करने से पहले इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में जानिए, उसके बाद इस कार की होगी ऑन रोड परीक्षा। एक्टिव हाइब्रिड 7 की डिजाइन फिलॉसफी में ज्यादा बदलाव तो नहीं है, लेकिन फ्रंट लुक में क्रोम का इस्तेमाल ज्यादा है। स्मार्ट एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। साइड प्रोफाइल से समझ में आता है कि हाइब्रिड 7 कितनी लंबी है। कार की लंबाई 5080 mm है और व्हील बेस 3070 mm। 18 इंच लाइट अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है। इंटीरियर में मल्टी इंफॉर्मेशन स्क्रीन जिसमें नेविगेशन सिस्टम के साथ व्हीकल इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट की सुविधा और 360 डिग्री कैमरा आउटपुट है। सीट्स को इलेक्ट्रॉनिकली 3 मोड में एडजस्ट किया जा सकता है। साथ में कार में सनरूफ की सुविधा, यहाँ तक कि स्पीड रिफ्लेक्ट होकर आपके मिरर के सामने दिखाई देती है। लेकिन लग्जरी कार का एहसास इस कार में बैठने से ही पता चल जाता है। लग्जरी कारों का सबसे बड़ा फील ये होता है कि उसमें आरामदायक सफर हो सके। उसके लिए BMW एक्टिव हाइब्रिड 7 में मैं रियर में बैठा हूं और ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर लग्जरी कारों का फील कैसा होता है। ये एक्टिव हाइब्रिड 7 है और इसका आप फील ये देख सकते हैं। पहला तो ये कि आप की सीट बहुत आरामदायक होनी चाहिए और लेग स्पेस काफी ज्यादा होना चाहिए, जिससे आपको एक लग्जरी फील मिलता है। दूसरी चीजें जो खास तौर पे फीचर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे TFT स्क्रीन हो गई या फिर एक वर्किंग स्टेशन के तौर पर आपको यहाँ पर आपके लैपटॉप के लिए स्पेस मिल जाता है, ये भी आपके लग्जरी में आ जाता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसको आप अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर सकें, ये है एंटरटेनमेंट का साधन। और अब हम चलेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव पर, समझने की कोशिश करेंगे कि दो दमदार ईंधन की बात की जा रही है, दमदार इंजन की परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, वो जमीनी हकीकत में कितनी बेहतर है और हाइब्रिड सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो चलिए हमारे साथ BMW एक्टिव हाइब्रिड के छोटे से सफर पर। फाइनली अब हम एक्टिव हाइब्रिड 7 के एक छोटे से सफर पर निकल चुके हैं। दरअसल इस तरह की लग्जरी कारों को जब आप चलाते हैं तो दो अलग अलग तरह के फील होते हैं, एक तो जब आप इसको ड्राइव करते हैं और दूसरा जब आप इसमें सफर करते हैं बैठ करके, क्योंकि इतने ज्यादा तमाम फीचर्स इसमें दिए होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक लग्जरी एहसास होता है और आप बैठने का स्टाइल और कम्फर्ट काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है। 2014 में बाजार में आई एक्टिव हाइब्रिड 7 टेक्नोलॉजी की एक नई सोच है। BMW एक्टिव हाइब्रिड 7 इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल से चलती है। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हैं तो ये कार इलेक्ट्रिक मोटर पर चलेगी, लेकिन ज्यादा स्पीड में ये कार पेट्रोल इंजन पर काम करती है। इससे आपकी लग्जरी कार का माइलेज भी बढ़ता है और प्रदूषण भी नहीं होता। कार के स्टार्ट होने पर इसमें आवाज नहीं होती। सुपर लग्जरी कारों में बैठकर सफर करना जितना शानदार होता है, उतना ही ड्राइव करना। BMW जर्मनी लग्जरी कार निर्माता कंपनी है और खास तौर से लग्जरी कारों के लिए जानी जाती है। और एक्टिव हाइब्रिड में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें 2989 सीसी का इंजन फिट किया गया है, जिससे 320 हॉर्स पावर की इसको ताकत मिलती है और 450 Nm का टॉर्क मिलता है। आंकड़े ये भी कहते हैं कि 0 से 100 की रफ्तार अगर ये कार जाती है तो महज 5.7 सेकंड में ये पकड़ लेती है और 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। हाइब्रिड का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल दोनों इंजन पे ये काम करती है। हालांकि ये सेगमेंट बहुत ही कम लोगों के लिए है, 1.39 करोड़ की ये कार है तो बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कंफर्ट के हिसाब से काफी बेहतर कार मानी जा सकती है।
फ्रांस की कार कंपनी रेनो ने